हेलो गाइस, क्या हाल है। ये है मेरा आईफोन से पहला व्लॉग, और पहला व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। मतलब एक ड्रीम पूरा होना जा रहा है मेरा, ऐसा कुछ है। और हम लोग जा रहे हैं पांच लोग धर्मेंद्र सर से मिलने, माय स्मार्ट सपोर्ट के जो ओनर हैं धर्मेंद्र सर, उनसे मिलने और उनके पास जाके अपना पॉडकास्ट भी शूट करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए, और काफ़ी मतलब पुराना मेरा एक सपना पूरा हो रहा है उनसे मिलने का। तो आज हम जा रहे हैं अपने टीम के साथ उनसे मिलने। यहाँ से हम लोग जो है बाई रोड अपने गाड़ी से जा रहे हैं। यहाँ से है 350 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग शाम तक। दीप अपने जो है नानी के घर जा रहा है। हम तो जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? नानी के घर? हाँ, चलो ठीक है, तुम नानी के घर चले जाना। और यहाँ पे भैया है और ये मेरा दोस्त है, बाकी एक दोस्त बनारस है, वहाँ से उसको लेंगे और चलेंगे। तो यही है गाइज, और आईफोन से जो ये पहला व्लॉग है, कैसा लग रहा है जरा क्वालिटी बताना। क्वालिटी भाई तो पूछो मत, एकदम धांसू है। और यहाँ पे भाभी हैं, इनको जो है इनके घर छोड़ेंगे और चलो। हम भी हाँ, तुमको जो है घर छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तुमको बुलाए थे वहाँ जो धर्मेंद्र सर के पास जा रहे हैं ना, उनके बच्चे हैं, तुम्हारे फैन हैं, तुम्हारी वीडियो देखते हैं सब। हाँ, हम लोग जा रहे हैं वहीं, लेकिन तुम तो घर उतर जाओगे यहीं रास्ते में ही। चलो कोई बात नहीं, तुमको फिर कभी ले चलेंगे, ठीक है। चलो बैठो। भाई यार, इसका कैमरा एकदम दिल खुश कर दे रहा है। मतलब क्या ही कैमरा है भाई इसका, जो स्विफ्ट का मॉडल दिया है। मतलब कैमरा जो है स्विफ्ट होता है, 1 2 3 गजब का है भाई। तो गाइस, अद्विक को जो है यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। उतरोगे? नहीं, मतलब तुम्हारे घर छोड़ देंगे, रास्ते में नहीं। नहीं, हमको रास्ते में छोड़ दो, मम्मी को घर छोड़ दो, पैदल आ जाएंगे। तो गाइस, आ गए हैं अद्विक के घर, अब यहाँ से इसको उतारेंगे। अद्विक के घर नहीं, मतलब अद्विक के नानी के घर। तो जाओ अद्विक, उतरो, और भाभी भी उतरेंगी। अब हम लोग यहाँ से जो है बनारस के लिए निकलेंगे। बनारस से थोड़ा दूरी पर इनका घर, मतलब बनारस से पीछे है। निकल जाओ, हम लोग क्या उतरे, लेट हो रहा है, जाना है, नहीं तो उतरते, पानी वानी पीते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं यहाँ से, फिर कभी आ जाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं बनारस, और यहाँ पे आ गए हैं हमारे चंदू भाई, ये भी साथ चल रहे हैं, तो हम लोग सब साथ चल रहे हैं। तो भाई बहुत वेट कर लिए, एक घंटे से वेट कर रहे थे। कोई बात नहीं, भाई ने बहुत वेट कराया भाई, चाय पी के फिर निकलते हैं हम लोग। भाई मिलना किससे, थोड़ा वेट तो बनता है। बिल्कुल, चलिए चाय पी के फिर उसके बाद निकलते हैं। चल, तुझे भूख लगी थी ना, चल कुछ खा ले। क्या खाएगा दीपेंद्र, क्या खाएगा? तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुक के नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं। और ये गुटका उटका खा लिया ना? ऐसे भाई लाइव भी बोल देंगे, क्योंकि लोकेशन हमके फिर से हम लगाए देव बुआ में। हाँ हाँ, मैप में लगा के चलेंगे। डिग्गी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम लोग हो गए टोटल पांच लोग, अब जा रहे हैं हम लोग सीधा बिहार। यहाँ से नेशनल हाईवे पकड़ेंगे और सीधा जो है यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास होगा। मैप में भी लगाते हैं लोकेशन, उसके बाद जो है सीधा निकलेंगे और पहुँच के फिर तो भाई धमाल ही होने वाला है, समझो। यहाँ से गाइस 133 किलोमीटर है, हमने मैप सेट कर दिया है, तो अप्रोक्सीमेट 2.5 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। ये अब हम लोग जो है यहाँ से चले जाएंगे, 3 घंटे दिखा रहा है, लेकिन 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। वो लखनऊ से आया, डायरेक्ट उठाए उसको, डायरेक्ट बनारस से, डायरेक्ट बिहार। गाइज यार, गाड़ी में पेट्रोल जो है एकदम 1 खुटी लिप 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 कर रही थी, तो फाइनली अब करवाते हैं यहाँ पे टैंक फुल। वैसे भी एंट्री कर चुके हैं बिहार में, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ जो है 63 किलोमीटर अब बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा का रास्ता है। कितने का? 3800। अरे 4000 फुले हो तभी तो भैया।
तो भाई हाँ भाई एक्साइटेड हो धर्मेंद्र सर से मिलने के लिए? सर एकदम दिल खुश हो गया है, बस जल्दी से मिलने एकदम, अब तो रहा नहीं जा रहा कि जल्दी से मिलने में यही खुशी हो रही है। हाँ, दिख रहा है चेहरे पे खुशी दिख रहा है भाई 14 प्रो मैक्स में तुम्हारे चेहरे की खुशी एकदम झलक रही है। हाँ बस डेयरी ही आना था तो भाई यार आ गए हम लोग, बस थोड़ी दूर और है। आइए लॉक कर दीजिए इसको, अब लगा दिया। हम क्या हुआ ना कि पहले हम भी देखे ना तो हम भी क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा था मुझे दूर से वीडियो में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली धर्मेंद्र सर के घर और अब जा रहे हैं घर में, मतलब मिल गए, इतनी खुशी हो रही है ना, जैसे लग रहा है कुछ छूटा था जिंदगी में और वो मिल गया है हमें। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है, अब गुरु से मिले टाइम ना दे फिर बेकार है। तो थोड़ा सा रिएक्शन लेते हैं, घर पे आ गए हैं। चंदू भाई कैसा लगा मिल के? अरे भाई इतना खुशी मिला कि मैं क्या बताऊं, दिल एकदम खुश हो गया भाई। एक्साइटमेंट के मारे भाई पोखरे में गिरने वाले थे और रिकॉर्ड नहीं लिया ना, लिए थे अरे गाड़ी का वो भी उखड़ गया, मतलब भाई साहब ऐसे सिचुएशन भाई कंट्रोल क्या करो, कंट्रोल से बाहर है भाई। तो गाइस ये देखो आज जो है चंद्रग्रहण लगने वाला था ना, तो देखो चंद्रग्रहण लगा हुआ है भाई। उस बार हम सूर्य ग्रहण देखे थे, इस बार देखो चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, मतलब क्या क्या यूनिक यूनिक चीजें जल्दी जल्दी देखने को मिल रही है। हमने धर्मेंद्र सर के साथ जो है वो डिनर कर लिया है और भाई ने जो है कितना मजेदार रेस्टोरेंट बनाया है। थैंक यू सो मच मुझे भाई, बहुत मजा आया, आपकी चीजें बिल्कुल मैच कर रही है हमारे से, आप 10 मिलियन अचीव कर लिए हैं तो मैं विश्वास नहीं हो रहा। एक चीज नहीं मैच कर रही है भाई, दाढ़ी बढ़ाओ तब जाके कोई बात नहीं, कदर से आप ही रहो हम लोग चेक मार ही रहेंगे। चलो भाई तो धर्मेंद्र सर नीचे चले गए और अब हम लोग भी जा रहे हैं, काफी अच्छा लगा मिलके। पॉडकास्ट जो है वो कल शूट करेंगे भाई के ही रेस्टोरेंट में, देखते हैं शूट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद भाई, हमारे रेस्टोरेंट में हमारे रेस्टोरेंट का चार चांद लगा दी आप आकर भाई, बहुत अच्छा खाना खिलाया, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी सब लोग खाना खा के यहाँ हैं, अब हम लोग जाएंगे आराम से सर से बातें करेंगे, रात भर जग के सोने नहीं देंगे किसी को। तो खा पी लिए हैं, अब यहाँ से चलते हैं। चलिए अब खाट उट लगाया जाए। एकदम तो यार गाइस खा पी के हम लोग रेस्टोरेंट जो है वो घर आ चुके हैं और मतलब धर्मेंद्र सर के घर आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग सोएंगे, उसके बाद सुबह जो है वो सूट वूट करना है, तो अब हम लोग सोते हैं और ये ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। कल का जो है पॉडकास्ट का ब्लॉग जो है वो अलग बनाएंगे। फिलहाल अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लव यू गाइस, बाय।